गुड आफ्टरनून चिल्ड्रन, हाउ आर यू। आज हम पढ़ रहे हैं स्त्री शिक्षा के विरोध कुतर्कों का खंडन, और इसके लेखक हैं महावीर प्रसाद जैदी। देखिए, ये जो हिंदी की बुक है जिसमें पिछले साल एक चैप्टर ऐड हुआ था, तो उसकी वजह से नई और पुरानी किताबों में जो क्रमांक है वो थोड़ा घट और बढ़ गया है। तो आप सिर्फ पाठ को पढ़ें, मैं चैप्टर रीड कर रही हूँ, स्त्री शिक्षा के विरोध कुतर्कों का खंडन। बड़े शोक की बात है, आजकल भी ऐसे लोग विद्यमान हैं, आजकल भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो स्त्रियों को पढ़ाना उनके और गृहस्थों के नाश का कारण समझते हैं। लेखक बताते हैं कि बड़े ही दुख की बात है कि आज हमारे भारत में ऐसे लोग मौजूद हैं जो लड़कियों को पढ़ाना उन लड़कियों के लिए, उन परिवार के लिए और घर के सुखों के लिए, घर का सुख के नाश के नाश का कारण को समझते हैं। ऐसा मानते हैं कि पढ़ी लिखी लड़की घर और घर वालों के नाश का कारण बनती है, और लोग भी ऐसे वैसे नहीं, ये कोई अनपढ़ लोग नहीं है जैसी सोच वाले हैं, बल्कि सुशिक्षित लोग, ऐसे लोग जिन्होंने बड़े बड़े स्कूल और साइंस कॉलेज में शिक्षा पाई है। अच्छा, ऐसे लोग हैं वो जो पढ़ी लिखी स्त्रियों को घर का नाश का कारण मानते हैं, वो अनपढ़ नहीं है, बल्कि ऐसे पढ़े लिखे लोग हैं, यहाँ तक कि कॉलेजों में भी पढ़े लिखे हैं, और जो धर्मशास्त्र और संस्कृत के ग्रंथ संघ से परिचय रखते हैं, वो हमारा ऐसा माना जाता है कि हमारे जो संस्कृत साहित्य है वो सबसे प्राचीन साहित्य है, यानी स्टार्टिंग में हिंदी नहीं थी, सबसे पहले संस्कृत थी। हमारे प्राचीन काल में संस्कृत को ही बोलते थे, संस्कृत हमारी प्राकृतिक प्राचीनतम भाषा है। तो ऐसा नहीं है, जो संस्कृत के ज्ञानी हैं वो लोग भी, कुछ लोग ऐसे हैं पढ़े लिखे हैं, ज्ञानी हैं, फिर भी पढ़ी लिखी लड़की को नाश का कारण समझते हैं, और जिनका पेशा सुशिक्षित, पेशा का मतलब होता है शौक, जिनका शौक सुशिक्षित कुशिक्षितों को सुशिक्षित करना, कुमार्गामियों को सुमार्गामी बनाना, और अधर्मों को धर्म तत्व समझाना है, उनकी दलीलें सुननी। अच्छा, अभी लेखक हमें ये बता रहा है कि जो स्त्री शिक्षा का विरोध करने वाले लोग हैं वो बहुत पढ़े लिखे हैं, ऐसे हैं जो कुशिक्षित हैं, जिनको किसी चीज़ का ज्ञान नहीं है उनको भी वो विद्वान बना सकते हैं, और जो गलत रास्ते पर जाने वाले लोग हैं उनको सही रास्ते पर पहुंचा देते हैं, और जिनको धर्म का ज्ञान नहीं है उनको भी वो धर्म ज्ञानी बना सकते हैं। ऐसे लोग हैं लेकिन उनकी दलीलें सुनो, यानी वो बहुत ज्ञानी लोग हैं लेकिन फिर भी उनकी बातें सुनो। ऐसे लोग स्त्रियों को पढ़ाना गलत मानते हैं, और उनकी बातें देखो, उनके तर्क देखो, वो कैसे मानते हैं। उनका पहला है, पुराने संस्कृत कवियों के नाटकों में कुलीन स्त्रियों से अपड़ों की भाषा में बातें कराई गई हैं, इससे प्रमाणित है कि इस देश में स्त्रियों को पढ़ाने की चाल ना थी, होती तो इतिहास पुराण आदि में उनको पढ़ाने की नियमबद्ध प्रणाली जरूर लिखी हो मिलती। अच्छा, इन्होंने क्या तर्क दिया है? पहला तो तर्क ये दिया है कि हम जो ये सबसे पुराना ग्रंथ संस्कृत को मानते हैं, तो जो संस्कृत कवि थे उन कवियों में नाटक लिखे जाते हैं ना, गद्य भाग में नाटक लिखा जाता है, और नाटक के अंदर पात्र होते हैं, नाटक के अंदर पात्र होते हैं। तो ये लोग ये कह रहे हैं कि अगर पहले क्या होता था, पुराने जमाने में जो संस्कृत के कवि थे वो अपने नाटकों में जो कुलीन स्त्रियाँ थी, जो पढ़ी लिखी लड़कियों के रोल करवाते थे, वो लड़कियों से इन्होंने कौन सी भाषा में, अनपढ़ों की भाषा में बात करवाई। यानी अगर लड़कियों को पढ़ाने की कोई नियमबद्ध प्रणाली होती, जैसे स्कूलों में, अभी स्कूलों में लड़का लड़की बराबर जाते हैं, लेकिन इनका ये कहना है कि पहले जो स्त्रियाँ थीं, पढ़ी लिखी स्त्रियाँ थीं, समझदार अच्छे अच्छे परिवारों की स्त्रियाँ थीं, उनसे भी अनपढ़ में
बातें करवाई है, यानी नाटक में उनका जो डायलॉग था वो अनपढ़ की लैंग्वेज में करवाया है। और अगर स्त्रियों को पढ़ाने की कोई नियमबद्ध प्रणाली होती, कोई गुरुकुल या आश्रम स्त्रियों के अलग से होते, तो लगता कि पहले ज़माने में स्त्रियों को पढ़ाते थे। यानी ये दलील ऐसे दे रहा है, ये बता रहा है कि पहले ज़माने में स्त्रियों को पढ़ाने की कोई परंपरा नहीं थी, तो अब क्यों पढ़ा रहे हैं। और दूसरा इनका क्या है, स्त्रियों को पढ़ाने से अनर्थ होता है। इनकी दूसरा तर्क है कि स्त्रियों को पढ़ाने से अनर्थ हो जाता है। कैसे अनर्थ होता है उसका भी एग्जाम्पल देके बता रहे। शकुंतला इतना कम पढ़ी लिखी थी कि गवारों की भाषा में मुश्किल से एक छोटा सा श्लोक लिख सकती थी। उस पर भी उसकी इस इतनी कम शिक्षा ने भी अनर्थ कर दिया। शकुंतला ने तो कटु वाक्य दुष्यंत को कहे, वह इस पढ़ाई का ही दुष्परिणाम था। दूसरा उदाहरण ये बता रहा है कि शकुंतला तो थोड़ा सा ही पढ़ी थी, थोड़ा सा पढ़ने पर उन्होंने राजा दुष्यंत का अपमान कर दिया था, और वो भी अनपढ़ों के छोटे से श्लोक के द्वारा। ऐसा हुआ था, राजा दुष्यंत और शकुंतला का गांधर्व विवाह हुआ था, और किसी श्राप की वजह से राजा दुष्यंत शकुंतला को भूल गए। और जब शकुंतला गर्भवती हो जाती है तो वो राजा दुष्यंत के राजमहल में जाती है और राजा दुष्यंत उसको भूल जाता है। इस पर वो अपमानित होकर उनको अपशब्द कहती है। तो जो कुतर्की है वो ये मानते हैं कि थोड़ा सा पढ़ने पर शकुंतला थोड़ा सा पढ़ी थी, और उस पर भी उन्होंने राजा दुष्यंत को अपशब्द कहे थे। तो ये सारा परिणाम वो पढ़ाई को बता रहे हैं। कुतर्की लोग ये कह रहे हैं कि वो थोड़ा सा पढ़ गई थी, इस वजह से उसने राजा दुष्यंत का अपमान कर दिया था। तीसरा देखो, जिस भाषा में शकुंतला ने श्लोक रचा था वह अपड़ों की भाषा थी। यानी जिस भाषा में शकुंतला ने जो श्लोक लिखा था, यानी जो श्लोक बोला था राजा दुष्यंत को अपशब्द कहे थे, वो अनपढ़ों की भाषा में बोला था। इस अतएव नागरिकों की भाषा की बात तो दूर, अपढ़ गवारों की भी भाषा पढ़ाना स्त्रियों को बर्बाद करने का कारण है। इनका ये मानना है कि स्त्रियों को पढ़ाना तो दूर की बात है, अगर उनको अनपढ़ों की भाषा का थोड़ा सा भी ज्ञान दे दिया जाए ये भी बहुत अनर्थ कर देता है। ये कह रहे हैं कुतर्की। जैसे कि एक तरफ से कुतर्की का मतलब होता है गलत तर्क वाले, और दूसरी तरफ है महावीर प्रसाद योगी। ये हमें कल लगाई में तर्क देकर तर्क ये तर्क देंगे। ये तो स्त्री शिक्षा के पक्ष का है और ये स्त्री शिक्षा के विरोधी है, ये कुतर्की वाले। इनका ये मानना है, हमारे किसी ग्रंथ में हमें पता चलता कि पहले की जमाने की औरतें आश्रमों में पढ़ने जाती थी, ये प्रमाण कहीं नहीं है। और दूसरे को बताता है कि अब शकुंतला थोड़ा सा भी पढ़ गई थी, थोड़ा सा पढ़ने पर उन्होंने राजा दुष्यंत का अपमान किया था। और तीसरे में ये बताया है कि शकुंतला को गंवारू भाषा भी, मतलब लेडीज़ को गंवारू भाषा भी नहीं पढ़ाना चाहिए, थोड़ा सा पढ़ने पर वो अनर्थ का कारण बनती है। ये तो क्यों बता रहे, एक तरह से स्त्री शिक्षा का विरोध कर रहे, स्त्री शिक्षा नहीं होनी चाहिए, स्त्रियों को नहीं पढ़ाना चाहिए। लेकिन महावीर प्रसाद योगी इनके कुतर्कों का, इनके गलत तर्कों का उदाहरण साहित्य ये इसको स्पष्ट करेगा कि ऐसा नहीं होता है। पढ़ाने से स्त्री घर के नाश का कारण नहीं बनती है, बल्कि परिवार को एक अच्छी दिशा देती है, एक अच्छी सोच देती है, एक अच्छा भविष्य देती है। आगे देखो, इस तरह की दलीलों का सबसे अधिक प्रभावशाली उत्तर उपेक्षा ही है। तथापि हम दो चार बातें लिख देते हैं। उन्होंने ये कहा है कि ऐसी जो बातें हैं जो ये लोग मानते हैं, ऐसी ये जो दलीलें दे रहे हैं, ऐसी दलीलों को नहीं मानना चाहिए, ये सब गलत है। फिर भी हम कुछ बातें लिख देते हैं। आगे देखो, नाटकों में अब महावीर प्रसाद योगी बता रहे हैं कि नाटकों में स्त्रियों का प्राकृत, अच्छा प्राकृत
अनपढ़ होने का प्रमाण नहीं है। ऐसा नहीं है कि अगर कोई पढ़ी लिखी लड़की अगर अपने मारवाड़ी में बोलती है तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि वो अनपढ़ हो गई। जैसा कि इन्होंने बोला है कि वो खुदा की उन्हें फर्स्ट वाला पॉइंट बोला है कि पहले के ज़माने में जो ये जो कवि थे, प्राचीन काल के जो कवि थे, अपने नाटकों में जो पात्र होते थे, लेडीज होते, उन पात्रों से वो प्राकृतिक भाषा में बुलवाते थे। अब महावीर प्रसाद द्विवेदी ये कहता है कि प्राकृतिक भाषा में बोलना या गमारोपन की भाषा में बोलना, गमारों वाली लैंग्वेज में बात करना अनपढ़ होने का प्रमाण नहीं, सबूत नहीं है। अधिक से अधिक आप इतना कह सकते हो कि उनको संस्कृत बोलना नहीं आता था। महावीर सही, ये बात तो सही है। अरे अगर कोई ये कहे कि ये इंग्लिश में बात नहीं कर रहा है तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो गंवार हो गया। हाँ, इतना कह सकते हो कि उसको इंग्लिश में बात करना नहीं आता है। सेम पहले अगर संस्कृत में बात करना नहीं आ रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो गंवार हो गया। संस्कृत में न बोल सकना न अनपढ़ होने का सबूत है और न गंवार होने का। संस्कृत में बात करना, अगर कोई संस्कृत में पुराने ज़माने की औरतें संस्कृत में बात नहीं कर रही तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो औरत अनपढ़ है या गंवार है। अच्छा, तो उत्तर रामचरित में ऋषियों की वेदांत वादिनी होती है, वेद उपनिषदों को बोलने वाली, वेद और उपनिषदों का ज्ञान रखने वाली। उत्तर रामचरित में ये बताया है कि हमारे जो ऋषि मुनि थे उनकी जो पत्नियाँ थीं वो वेदवादिनी थी, वेदांतवादिनी, वो वेद उपनिषदों का ज्ञान रखने वाली थी, वेद और उपनिषदों के बारे में ज्ञान देने वाली थी। पत्नियाँ कौन सी भाषा में बोलती थी? वो भी तो संस्कृत में बोलती थी ना। उनकी संस्कृत क्या कोई गंवारू संस्कृत थी? जिस औरत को वेद उपनिषदों का ज्ञान हो और वो संस्कृत में बोलती हो तो क्या वो गंवार हो गई? यानी महावीर प्रसाद द्विवेदी इस कुंदा की ने इसने जो बातें बताई, फर्स्ट वाला पॉइंट बताया, तो उसका इन्होंने क्या किया है, तर्क के द्वारा इसका विरोध कर रहा है, खंडन कर रहा है, इसकी बात को गलत बता रहा है। उसकी संस्कृत क्या कोई गंवार संस्कृत थी? भभूति और कालिदास ये प्राचीन काल के सबसे श्रेष्ठ कवि थे। भभूति और कालिदास आदि के नाटक जिस जमाने के हैं उस जमाने में शिक्षितों का समुदाय, समस्त समुदाय संस्कृत ही बोलता था। इसका प्रमाण पहले कोई दे ले तब प्राकृतिक बोलने वाली स्त्रियों को अपढ़ बताने का साहस करे। इसका क्या सबूत कि उस जमाने में बोलचाल की भाषा प्राकृत ना थी? यानी भभूति और कालिदास ये दोनों ही महाकवि माने जाते हैं और इनके ज़माने में जब ये नाटक लिखते थे तो इनके नाटकों में जो स्त्रियाँ थीं वो प्राकृतिक भाषा बोलती थी। सबूत तो प्राकृत के चलन के ही मिलते हैं। प्राकृत यदि उस समय की प्रचलित भाषा नहीं होती तो बौद्धों तथा जैनों के हजारों ग्रंथ उसमें क्यों लिखे जाते? बौद्ध और जैनियों के जो ग्रंथ हैं वो प्राकृतिक भाषा में लिखे गए हैं। अच्छा, भगवान शाक्य मुनि और तथा उनके चेले प्राकृतिक में ही उपदेश दिया करते थे। प्राकृत उस समय की भाषा का नाम है। तो उस समय जो ऋषि थे या फिर हमारे भगवती और कालिदास कवि थे वो अपने नाटकों में प्राकृतिक भाषा में ही लिखते थे। और ये जो हमारे भगवान शाक्य मुनि थे, उनके चेले, और वो इसी भाषा में यानी प्राकृतिक भाषा में ही उपदेश दिया करते थे। बौद्धों के त्रिपिटक ग्रंथ की रचना प्राकृतिक में किए जाने का एकमात्र कारण यही है कि उस जमाने में प्राकृतिक ही सर्वसाधारण की भाषा थी। सर्वसाधारण की भाषा, आम लोग भी प्राकृतिक भाषा को बोलते थे और इसी वजह से जैनियों का जो ग्रंथ है त्रिपिटक, ये ग्रंथ इसी प्राकृतिक भाषा में लिखा गया है।
क्योंकि उस जमाने की सभी लोगों की, आम लोगों की भाषा ये प्राकृतिक भाषा ही थी। इसी वजह से जैनियों का ग्रंथ त्रिपिटक इसी प्राकृतिक भाषा में लिखा गया है। अतः प्राकृतिक बोलना और लिखना अनपढ़ और अशिक्षित होने का चिन्ह नहीं है। अगर कोई प्राकृतिक भाषा में बोल रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो अनपढ़ है, गंवार है। जिन पंडितों ने गाथा, सप्तशती, सेतुवंत, महाकाव्य और कुमारपाल चरित आदि ग्रंथ प्राकृतिक में बनाए हैं, वे यदि अनपढ़ और गंवार थे तो हिंदी के प्रसिद्ध से प्रसिद्ध अखबार का संपादन इस जमाने में अनपढ़ और गंवार कहा जा सकता है। अगर जो कवि और उस जमाने के कवि थे, लेखक थे, और यहाँ तक कि हमारे बड़े से बड़े अखबार का संपादन, बड़े से बड़े अखबार भी इसी लैंग्वेज में यानी प्राकृतिक भाषा में ही लिखा गया है। अगर ये प्राकृतिक भाषा गंवारू भाषा है तो बड़े से बड़ा संपादक, बड़े से बड़ा पेपर और ये सारे कवि और लेखक उस जमाने में अनपढ़ ही होंगे। अगर ये लैंग्वेज, ये भाषा प्राकृतिक भाषा गंवारू भाषा है तो ये सभी गंवार होंगे। हिंदी, बांग्ला, अच्छा क्योंकि वह अपने जमाने की प्रसिद्ध भाषा में अखबार लिखता है, हिंदी, बांग्ला आदि भाषाएं आजकल की प्राकृतिक हैं। शौर, सैनी, मागधी, महाराष्ट्रीय और पाली आदि भाषाएं उस जमाने की थी। जिस तरह आज हमारी प्राकृतिक भाषा, आज हमारी जो भाषा है वो कौन सी है, हिंदी है, उस जमाने में कौन सी थी, प्राकृतिक भाषा थी। प्राकृतिक पढ़कर भी उस जमाने में लोग उसी तरह शिक्षित और पंडित हो सकते थे जिस तरह आज हम हिंदी पढ़कर हो रहे हैं। हिंदी, बांग्ला, मराठी आदि भाषाएं पढ़कर इस जमाने में हम हो सकते हैं। फिर प्राकृतिक बोलना अनपढ़ होने की का सबूत है, यह बात कैसे मानी जा सकती है, यानी इस पैराग्राफ से इस लेखक ने, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इस बात का खंडन कर दिया है कि प्राकृतिक भाषा पढ़ने से या बोलने से आदमी गंवार नहीं हो सकता। तो कल पैराग्राफ हम कल पढ़ेंगे, आज एक पैराग्राफ की सत्संग बैठने का। धन्यवाद।